ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, जो जो हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी यस अच्छा, ओके। मैं रिपीट कर देता हूँ। आज हम कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा कंटेंट जो हमारा पिछले लेक्चर्स में रह गया था वो कवर करें, और उसके बाद फिर जिस तरह मैंने आपको टास्किंग की हुई थी आपकी अपनी प्रेजेंटेशन के लिए, वो आई वुड लाइक टू लिसन। और वो हमारा पहला प्रेजेंटेशन सेशन होगा, फिर एक सेशन हमारा अराउंड एंड टर्म दोबारा होगा, जिसमें देयर वुड बी सर्टेन मोर थिंग्स व्हिच आई लास्ट यू टू ऐड टू दिस सेम प्रेजेंटेशन। आई विल शेयर मे बी अ कपल ऑफ प्रेजेंटेशंस एज सैंपल, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू प्रिपेयर बेटर, बट इट वुड बी ऑल डिपेंडेंट अपॉन यू हाउ यू यू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। बाकी जो पेपर था उसमें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने कोशिश तो की थी कि आसान सा पेपर हो और वही चीज़ें हो जो हमने क्लास में कवर की हैं, और एट द एंड मैंने उसे ओपन बुक भी कर दिया था, ओपन नोट्स भी कर दिया था। लेकिन ये कि चाहे ओपन बुक्स होता ना होता, तब भी इसमें जो कंटेंट थे वो विदाउट ओपन बुक ओपन नोट्स भी आप आराम से दे सकते थे, मुझे इस पर कोई शक नहीं है। और आई थिंक जिन्होंने नोट्स नहीं खोले होंगे उन्होंने ज़्यादा आसानी से दिया होगा, क्योंकि नोट्स खोल के फिर आप फंस जाते हैं कि मैं इसको ढूंढूं कहाँ लिखा था और क्या था, और फिर आपके दिमाग में एक डाउट पैदा हो जाता है कि मैं ठीक सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ। अगर क्लियर हो गया जी, लेक्चर्स में चीजें कवर्ड थी, और ये कि चीजें ऐसी थी अगर आपने लेक्चर सुने थे और बस सुने थे तो आप लिख सकते। और अगर नोट्स खोल के देखना शुरू करेंगे तो शायद ज्यादा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैंने क्लोज बुक क्लोज नोट शुरू में अनाउंस किया था। बट स्टिल आई थॉट के चलो अगर कोई ऐसा है जिसने जो बहुत ज्यादा ही कोई परेशान है तो उसको शायद थोड़ी से आसानी मिल जाए। लेकिन ये कि इंशाल्लाह एंड टर्म जो है वो क्लोज बुक क्लोज नोट्स ही होगा, ठीक है? उसमें आप इस पे तैयारी करके मतलब देख कर आइएगा। ओपन बुक ओपन नोट्स ना करने का मकसद ये होता है कि उसमें होता ये है कि मैंने ओवर द टाइम कुछ नोट ये किया है कि एक बंदा नोट्स बना लेता है कि जी ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और वो पूरी चीजें फोटोकॉपी होकर सबके पास आ जाती हैं, और फिर वो फोटोकॉपी हर बंदा जो है वो रिपीट करता है चीज को, तो पेपर में सिमिलर चीज नजर आ रही होती है। इसलिए मैंने फिर ये इस सेमेस्टर से और इससे पिछले सेमेस्टर से मैंने ये बंद कर दिया कि जी क्लोज बुक क्लोज नोट्स होना चाहिए, ताकि आप अपनी इनपुट दें जो आपने देखा है और आपने सुना है, ठीक है? तो अच्छा जी, तो विद दिस बैकग्राउंड इफ वी स्टार्ट, अच्छा से पहले कि हम स्टार्ट करें, क्लास में किसी के फादर की डेथ हुई थी? आपके फादर की डेथ हुई थी? अम्मी की। तो थोड़ी सी एक फातिहा कर लेते हैं, ठीक है? इनकी मदर की भी। अल्लाह ताला आपकी मदर की मगफरत करे, और वन मस्ट बी श्योर के शी इज एट बेटर प्लेस इंशाल्लाह, क्योंकि अगर मुझे याद आया तो ये अल्लाह की तरफ से याद आया, ठीक है? अच्छा जी, ओके। हम आ जाते हैं जी लास्ट लेक्चर में, जो हमने दो रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स कवर किए थे, अगर उसमें किसी का कोई डाउट है या कोई उसको समझ ना आई हो चीज, बड़े लैबोरेटरी क्लास में मैंने आपको आपके जो आपके अपने रिसर्च पेपर्स थे वो खुलवा के दिखाए भी थे, कि इस तरीके से आपने रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड में से किसी एक को फॉलो करना होता है, आइदर इट्स एन IEEE स्टाइल जिसको हम कहते हैं नंबरिंग सिस्टम, और दूसरा था कि ऑथर डेट सिस्टम, और ये प्राइमरीली फर्क आ रहा होता है इन टेक्स्ट रेफरेंसेस के अंदर। जो एट द एंड रेफरेंसेज हैं, जो डिटेल्ड रेफरेंस होते हैं जिनको बिब्लियोग्राफी कहते हैं, उसमें कोई इतना मोटा फर्क नहीं होता, सिवाय इसके कि ऑथर डेट में सीक्वेंशियल या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस होते हैं, और कुछ थोड़ा सा तरतीब का फर्क होता है, साल पहले होता है किसी में, साल बाद में नहीं होता। तो बहरहाल ये कि स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, आपने कोई याद नहीं करना, रटा नहीं लगाना, देर आर टूल्स विच विल ऑटोमेटिकली डू इट फॉर यू, ठीक है? बट ये अगर पता होगा तो आप फिर
इसको इंश्योर करेंगे कि मैं गलती ना करूं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि आपकी चेकिंग में चाहे आप प्रपोजल डॉक्यूमेंट लिखें, चाहे आप थीसिस डॉक्यूमेंट लिखें, चाहे आप रिसर्च पेपर लिखें, जो आपके रिव्यूअर्स हैं वो सबसे पहले जाके आपके रेफरेंसेस को देखेंगे, अगर वो उनको ठीक लगेंगे तो वो आपको अच्छी वेटेज देंगे। आपका नाम क्या है? अहमर खान। अच्छा अहमर आप हैं, ठीक है। आपका एक लास्ट टाइम को एक मुझे एक अजीब सी सवाल था एक लेक्चर में, जो मैंने आपको जवाब भी उसका दिया था कि लेक्चर सुनते नहीं है और फिर आप इस तरह के सवाल जवाब करते हैं। अभी भी आप जमाइयां लेने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे आगे बैठ गए हैं, अभी क्लास लेक्चर शुरू नहीं हुआ, बट यू आर ट्राइंग टू स्लीप। तो आपका टॉपिक डिफाइंड हो गया, फाइनलाइज हो गया, ऑल गुड, पेपर ठीक दिया? अच्छा चलो। आपका पिछला बैकग्राउंड 16 साल क्वालिफिकेशन का ही है, सर और आपका क्या, आपने पहले क्या किया हुआ? सिविल सिविल इंजीनियरिंग की हुई। ओके, फिर तो माशाल्लाह कोई इशू नहीं होना चाहिए इंजीनियरिंग में, तो फिर आप काफी ओके। सो आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। दो डिफरेंट सिस्टम्स हैं, दोनों में से किसी एक को फॉलो करना है आपने, और उसको टू द पॉइंट फॉलो करना है। स्टैंडर्ड मीन्स के पॉइंट्स, कॉमास, फुल स्टॉप्स तक आपने उसको देखना है। और जो इंपॉर्टेंट चीज रेफरेंसिंग स्टैंडर्ड्स में क्या है कि हर एक डिटेल उसके अंदर मेंशन होती है, गिवन होती है। कोई चीज आप, आपको पैटर्न टेम्पलेट बताया होता है, तो इससे होता ही है कि आप कभी कोई चीज मिस नहीं कर सकते, या जो जिसने उसको सर्च करना है उस रेफरेंस को, वो उसको आराम से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। सो अगर वो सब चीज क्लियर है तो हम मेंडले पे आते हैं। मेंडले के अंदर हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं, आई वुड जस्ट बी गोइंग थ्रू दैट। मेंडले इज अ फ्री फ्री सॉफ्टवेयर। स्कोपस पे अगर आपकी, अगर आप अभी आपके पास सिस्टम्स हैं, आप स्कोपस पे अपनी एक छोटा सा अकाउंट बना लीजिए, स्कोपस खोलें, वहां पे आपसे वो लॉगिन करेगा और होपफुली आपके जीमेल के अकाउंट के थ्रू आपको लॉगिन कर देगा। तो अगर आप वो लॉगिन कर लेते हैं तो वहां से आप साथ साथ मेरे चलते जाएं। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स भी अगर यही सेम काम कर सकें साथ साथ, मैं कनेक्ट करके अभी आपको स्क्रीन शेयर भी करता हूँ। ओके सो इफ यू गो ऑन टू दी स्कोपस, आप सिंपल स्कोपस पे चले जाए, तो स्कोपस पे जाके आप, लेट मी शेयर इट विद द ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, शेयर द स्क्रीन। सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ जी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। अभी आपको नजर आ रही होगी। सर आ रही है। सर वो एक ओके सवाल है जी बिल्कुल, सवाल करें आप, पूछें क्या सवाल है। जी, आई लास्ट डेटा वो मैं लिख रहा था, अपना वो प्रपोजल लैंड पर लगा हुआ है, तो क्या आज की क्लास की छुट्टी मिल सकती है? बाद में मैं लेक्चर सुन लूंगा फिर। तो ये मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है आपको, तो खुद ही, अगर आपने इतना इम्पोर्टेंट है तो आप छुट्टी कर लें। थैंक यू सर जी। लेकिन ये है कि आपको जो जो 3 घंटे ये एक्स्ट्रा चाहिए वो मैं आपको, आपकी वहां टाइमलाइन एक्सटेंड कर देता हूँ, आप 3 घंटे बाद जमा करा दीजिएगा। सर आज लास्ट डेट है ना? आप एक दिन और ले लें, ठीक चलें ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। है चलो। और कोई सवाल फ्रॉम दी लेक्चर पर्सपेक्टिव, तैमूर और सुहेल, साजिद, जाफर? नो सर। कोई सवाल नहीं है। अच्छा आपको अभी स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर, यस स्क्रीन सर। विजिबल है। अच्छा देखिए, स्कोपस आप सब चले जाइए और स्कोपस के ऊपर जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। लाइक मैंने ही, अगर आप राइट पे देखेंगे तो लॉगिन किया हुआ है, मेरे नाम से लॉगिन हुआ हुआ है, तो आप भी इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लॉगिन कर लें, कुछ ना कुछ आपको जीमेल के थ्रू ये लॉगिन कर देगा। कर लिया सबने क्लास में? कर लिया जी। ओके सो अब मैं यहाँ पे जाके वर्ड की एक डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ जिसके अंदर मैं ये सारी चीजें इंसर्ट करूंगा। डू यू हैव वर्ड 365? किसी के पास वर्ड 365 है? वर्ड 365 इज द लेटेस्ट वन जिसके अंदर ऑटो पे ये सारी फैसिलिटीज जो है वो एम्बेड हैं। तो मैं ऑफिस 365 चूंकि मेरे पास है, मैं उसे खोल लेता हूँ। आप देख लीजिए कि आपके ऑफिस में ये चीज आप इसको खोलना चाहते हैं किस तरीके से। अगर वहां पे आ रहा है तो बस आप फिर उसको देख लीजिए, मैं भी आपको
एमएस वर्ड में भी ऑप्शन है, तो मैं वही, मैं एमएस वर्ड ही खोल रहा हूँ। आई एम जस्ट ओपनिंग दी रजिस्टर्ड वर्जन। आप जो है जो खोल रहे हैं खोल लीजिए। ठीक है, अच्छा खोल लीजिए, चले वर्ड खोल लीजिए, मेंडले खोल लीजिए, स्कोपस आपने लॉगिन कर लिया है। ठीक है, तो हम अब इसको साथ साथ आपस में देखते हैं। बाकी प्रैक्टिस से चीजें आपकी और अच्छी होंगी जितना आप खोल के देखते जाएंगे, जस्ट लाइक अ सॉफ्टवेयर। तो जी मियाँ शायद खोल रहे, ऑनलाइन आप लोगों ने भी खोल ली है कुछ चीजें, ऑफिस की कोई डॉक्यूमेंट खोल ली है? जैसे वर्ड खोलिए। मैं इसमें कोई का डॉक्यूमेंट से खोल रहा हूँ, मैं उसके पास को लेके चलते हैं। ठीक है, सर एक बात पूछनी है, आप पहले बता चुके हैं लेकिन जेन से निकली हुई है और अभी वो इस्तेमाल करने यूज करने है काम। जी बताए। सर आपने बताया था ना वो, अब मेरे जो सपोज करें मेरे पास MDBI MDPI का पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स उसका जर्नल है, तो जर्नल का हवाला देना है ना, पब्लिशर का तो नहीं होगा ना, कहाँ पे वाला, कहाँ पे देना है, किस रेफरेंस में? जगह? सर रेफरेंसेज में, रेफरेंसेस में आप देखते हैं तो ट्रिपल यू आप, स्टाइल में। हाँ जी, आप जर्नल का नाम लिखेंगे ना, MDPI तो पब्लिशर है, उसका नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का फिर लिखेंगे ना। जी, आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल को खोलते हैं ना, लाइक मैं यहाँ खोल लेता हूँ जी इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल, या आपके लिए सिर्फ मैं कर रहा हूँ MDPI, ये मैंने रेफर, आपको विजिबल है? यस सर, विजिबल है। अच्छा जी, अभी देखें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्रंट पेज खोल गया, मैंने इसका एक पेपर खोल लिया, ये सामने इसका पेपर है, जो कि आपने भी कोई ऐसे ही पेपर खोला होगा, ये पेपर खुल गया। ठीक जी सर, है, अब मैंने इसको रेफर करना है, ये साइट के ऑप्शन यहाँ पे राइट साइड में नजर आ रही होगी आपको, सर इसको जब क्लिक करते हैं तो ये आपको इधर मुख्तलिफ स्टाइल्स बताता है। विजिबल जी सर है जी, आपको यस सर विजिबल MDPI है। यहाँ पे शिकागो ट्रेबियन स्टाइल है, इसके अलावा AMA स्टाइल है, तो ये सारे वो स्टाइल्स हैं जो कि अब आप डिपेंड करेगा, इसमें जो शिकागो ट्रेबियन स्टाइल है ये वो ऑथर डेट सिस्टम होता है, ये वाला, ये ऑथर डेट सिस्टम का एंड का बिबलियोग्राफिक रेफरेंस है, और ये जो AMA स्टाइल है ये IEEE स्टाइल भी कहते हैं इसको। ठीक है, आप इनमें से किसी एक को यहाँ से कट पेस्ट करके अगर मैनुअली एंट्री कर रहे हैं तो इसको यहाँ से एंटर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि ये ऊपर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट साइटेशन फाइव, बिब टेक्स RIS एंड नोट। बिब टेक्स और RIS जो है ये दोनों सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों सपोर्टेड हैं बाय दी मेंडले, आप इनको अगर क्लिक करेंगे तो ये इसकी बिब टेक्स डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड कर लेगा। ठीक है, और मैं इसको कहीं पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, साइटेशन के नाम से, ये साइटेशंस की फाइल्स है, यहाँ पे मैंने ये बिब वाली फाइल्स देखे पहले भी कॉपी की हुई, ये एक और डॉट बिब मैंने यहाँ पे सेव कर ली, तो यहाँ पे ये आ गई जी, चली गई मेरे पास। अब मेरी जो मैंने जो जो मैंने डॉक्यूमेंट सेव करनी है वो मैं एज अ बिब, एज अ RIS डॉक्यूमेंट सेव कर सकता हूँ, एक फोल्डर बन जाएगा, और जब मेंडली खोलूंगा तो वहां से इसको इम्पोर्ट कर सकता हूँ, इस रेफरेंस को इम्पोर्ट करके ये अंदर आ जाएगा ऑटो पे मेरे स्टाइल पे, वहां पे कोट हो जाएगा, या ये मैनुअल तरीका है कि मैनुअली मैं ये वैल्यूज यहाँ से प्लेस करता जाऊँ, बट देखना ये कि अपनी अकल के साथ जरूर काम करना है, क्योंकि ये मशीनी चीजें सारी, इट मे बी देयर मे बी समथिंग रॉन्ग, सो ये नहीं कि बस कट पेस्ट किए जाए और बगैर सोचे समझे दिमाग के साथ करना। ठीक है, सो ये चीज सही है समझ आ सर। गई, ये कोई भी जर्नल हो ना, किसी भी किस्म का जर्नल हो, उसके अंदर उसके अपने साइट के कुछ ना कुछ टूल्स नजर आते हैं आपको, जी साइट करना है ओके जी क्लिक करें, वो आपको एक ऑप्शन दे देगा फॉर मैनुअली इंसर्शन ऑफ द वैल्यूज। मैं एक और MDPI तो एक पब्लिशर है, मैं एल्सवेयर को खोल लेता हूँ, लाइक कंप्यूटर नेटवर्क्स एक जर्नल है एल्सवेयर का,
सॉरी सर, ये जो ए एम ए स्टाइल था, ये वो IEEE स्टाइल है ना, फिर हम उसमें कर रहे हैं ना। थर्ड डेट सिस्टम तो नीचे वाला था ना। जी भाई यही कहा है मैंने, यही कहा है। चलिए अब मैं आइए दूसरा एक और पब्लिशर का जर्नल खोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं से ये मैंने एक पेपर खोल लिया, जॉइंट एनर्जी एंड स्पेक्ट्रल ऑप्टिमाइजेशन हेटरोजीनियस व्हीकलर नेटवर्क। गंदा सा किधर है तुम्हारा, क्या देख रहा करो यार। मैंने कहा कोई क्लास को कोई, ये कोई क्या नाम है, कोई खुदकुश बम्बार आया क्लास के अंदर। अच्छी बात। अच्छा जी ठीक है, अभी तो देखें ये है एक और जर्नल है ना। अब ये एल्सवियर एक और पब्लिशर है, उसका एक जर्नल है, उसको साइट करना। इधर भी देखें एक साइट की ऑप्शन नजर आ रही है आप। तो हर अच्छे जर्नल की बात कर, दे विल मेक सम फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर यू। अब इस पेपर को मैंने रेफर करना है, मैं साइट को टिक करूंगा तो मुझसे पूछेगा जी कि किस तरह साइट करना चाह रहे हैं आप। देखिए यहाँ भी कह रहा है यार RIS डॉक्यूमेंट करनी है, बिब टेक्स करनी है, या आपने टेक्स्ट में जिस तरह वहां टेक्स्ट दिए हुए थे उसने वो करना है। मैं एक्सपोर्ट साइटेशन टू टेक्स्ट करता हूँ तो ये मुझे टेक्स्ट की डॉक्यूमेंट एक सेव कर देगा। मैं इसको से ये मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया, इसी जगह सेव हो गया जी। मैंने इसे जाके खोला तो ये आप देखें यहाँ पे, यहाँ से मैं कट पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है ये देखें, ये नाम लिखे हुए हैं, जर्नल का नाम लिखा हुआ है, पेपर का नाम लिखा है, वॉल्यूम, ISSN, HTTP, ये वही चीजें जो वहां पे थी। बट ये मैन्युअली मैंने अब एंट्री करनी है वहां जाके, जिसे मैं एंट्री करना चाह रहा हूँ। नजर आ रहा है ना समर, नजर आ रहा है सर। जो भी किया है आप बस मेरे एक तरीके अभी से सीख लें कि ये चीजें भी हैं। अब आप फिर अपनी अकल भी बीच में ऐड करें। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट भी मिल जाती है, आप यहाँ से अपने रेफरेंसिंग स्टाइल में आप अपने लिहाज से उसको कॉपी कर लीजिए। एक तरीका ये हो सकता है। सेकेंड ये है कि मैं ये ना करूं और मैं यहाँ जाके कहूँ जी कि मुझे इसकी बिब टेक्स डॉक्यूमेंट दे दें, जिसे मैं मेंडले के थ्रू इम्पोर्ट करूंगा। बिब टेक्स या RIS दोनों वहां से इम्पोर्ट हो जाती हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस पेपर को यहाँ पे इसकी डॉट बिब डॉक्यूमेंट डॉट बिब एक फाइल को सेव कर लेगा। मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, सेव हो गई है। अब जब मैं अपना काम कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ वर्ड के अंदर, तो वहां पे मैं कहूंगा मेंडले को जी के फ्लॉ रेफरेंस यहाँ पे दे दो, तो वो यहाँ से इसको पिक करके वहां प्लेस कर देगा। अभी देख लेते हैं ठीक है। सिर्फ अब मैं रेफरेंस एक जगह जमा कर रहा हूँ, जो मेरे रेफरेंस देने मैंने जमा कर लिए। अब ये 15-20 रेफरेंस थे जो मैंने अपने डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करने थे, वो सारे के सारे मैंने एक जगह इकट्ठे कर लिए। सही है। और अब हम जाते हैं अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर। मैं चाह रहा था कि मैं वो वर्ड डॉक्यूमेंट खोलूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ कॉपी किया हुआ, ताकि आप वहां से इजी टू, लेट सी कौन सी डॉक्यूमेंट थी, नहीं तो हम इधर ही कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये। बहरहाल वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लेनी है आपने, सर एक बनाओ और अपनी सवाल वर्ड है। डॉक्यूमेंट। यार मेरा दिल कर रहा है आपको छुट्टी दे दूं मैं। बकास, बकास को आवाज आ रही है? जी आपको सर जी, दे दे। मैं वैसे एक सवाल पूछना चाह रहा छुट्टी था। दे दी जाए आपको। जी सर आ रही है, एक सवाल पूछना चाहता सवाल था वही होगा जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया होगा। जी। पूछें जी सवाल पूछें। पूछे सवाल आप पूछ नहीं रहे, पूछिए सर जी एक सवाल, ना। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आवाज आ रही है बकास आपको? सर आ रही है, मैं वो सवाल दोहरा दूं। जी रिपीट कीजिए, बताएं। हाँ सर मैं कह रहा था कि जब हम अपने थीसिस में रेफरेंसेस देते हैं और वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करवा देते हैं, तो इस बंदे का हमने वो
रेफरेंस दिए हुए होता है वो जब तक हमारे थीसिस पब्लिश वगैरह नहीं होते तो आपकी असल में आवाज जो है ना अभी तक आ नहीं रही, कट रही है, तो मे बी रिपीट करना पड़ेगा आपको दोबारा। हाँ हाँ इंटरनेट स्लो चल रहा है इसलिए कुछ इसमें इट्स नॉट दैट एक्टिव एट द मोमेंट। कोई और सवाल है जी? ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बट एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? रिव्यू पेपर को हम बेस पेपर नहीं बना सकते क्योंकि रिव्यू पेपर जो है उसमें बहुत सारी अप्रोचेस डिस्कस हो रही होती हैं। हमने किसी हमेशा बेस पेपर वो होता है जो कि एक सिंगल कोई काम कर रहा हो ताकि उसके तरह से आप वो काम या सिमिलर काम कर सके। रिव्यू पेपर जो है वो आप उसको एज रीडिंग के तौर पे करें, बिल्कुल पढ़ सकती हैं, रेफरेंस दे सकती हैं, बट वो बेस लाइन पेपर नहीं होगा। और सर ऐसा होगा रिसर्च गेट जो है ना वो एक सिर्फ प्लेटफॉर्म है फेसबुक की तरह, बस उस पे 100% ऑथेंटिसिटी उस पे भी नहीं है, लेकिन फिर भी और बहुतों से बेहतर है क्योंकि उस पे रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, यूजर्स जो है वो ऑथेंटिक हैं, चांसेस हैं कि चीज ठीक होगी, बट अल्टीमेटली यू शुड वेरीफाई पेपर के ओरिजिन पे जाएं, किस जर्नल का है, स्कोपस में, वेब ऑफ साइंस में जाके उसको देखें, एचजीआरएस में देखें, तब पता चलेगा कि ये वाकई ठीक है। रिसर्च गेट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट एन इंजन जिसमें मुख्तलिफ लोग जुड़े हुए हैं। और एडवांटेज क्या है कि जब लोग जुड़ते हैं तो हर एक को जुड़ने नहीं देता, वो सेलेक्टेड लोगों को जुड़ने देता है आफ्टर वेरिफिकेशन, सही है? जबकि अगर आप गूगल स्कॉलर पे जाएंगे तो वो उस पर हर कोई जुड़ सकता है, एनी बडी कैन गो एंड फाइंड और लिंक हिज हर डॉक्यूमेंट्स, अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन गूगल, नो बडी विल स्टॉप देम, बट ऑन
रिसर्च गेट इफ यू वुड लाइक टू अपलोड एनीथिंग, ऐसे नहीं कर सकते आप अपलोड, ना ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपने अपनी ऑथेंटिसिटी उनके पास स्टैब्लिश करनी है, आपसे वो पूछेगा कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस इंस्टीट्यूट के हैं। जब वो चीज़ें उसकी सेटल हो जाएंगी, आपको वो मेंबरशिप दे देगा, फिर आप उसके साथ जुड़ते हैं और फिर अपने आप डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो एक एक लेवल की ऑथेंटिसिटी वहां पे है, बट अगेन कोई गलत बंदा फिर भी जुड़ सकता है, तो अल्टीमेटली वो अपने पेपर डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर सकता है और आप भी देख सकते हैं उसको। उसको कम करने के लिए आपको उसके ओरिजिन पे जाना चाहिए कि ये रिसर्च पेपर अगर किसी का अपलोडेड है, मिस्टर एक्स वाई जी ने अपलोड किया है, तो ये इटसेल्फ कहाँ पे पब्लिश हुआ, वहां पे ये एग्जिस्ट करता है, स्कोपस क्या कहता है उस जर्नल के बारे में, वेब ऑफ साइंस क्या कहता है, एचजेआरएस क्या कहता है, सर चीज स्टेब्लिश हो गई। अब ठीक है, अगेन आई रिपीट, रिसर्च गेट इज नथिंग इन इटसेल्फ। ये मैं बार बार बता चुका हूँ क्लास में, ऑलमोस्ट 6 से 7 दफा पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बट मैं अभी दोबारा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आप शायद मेरी बातें आपने उस वक्त नहीं सुनी, या आप कहीं और बिजी होंगे इस टाइम। चले, तो बहरहाल ये कि दिस इज समथिंग जो के इस तरीके से आपने उसको देखना। अच्छा जी, इस वक्त तो ये मेरा लगता है सिस्टम में या तो ये कुछ इश्यूज हैं, इसको ये लिंक नहीं कर रहा अभी तक, इंटरनेट शायद स्लो है, आई डोंट नो, मे बी मे नॉट बी। तो हम इसको चले पेंड कर लेते हैं, अगर ये अभी नहीं चल रहा, वी कैन डू इट लेटर ऑन, कोई बात नहीं। एम ये यहाँ पे था कि स्कोपस, अभी जो स्कोपस में आपका मेंडले है, मेंडले के थ्रू अब आप यही सेम डॉक्यूमेंट जो आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, डॉक्यूमेंट्स नहीं, उनके रेफरेंसेज हैं, इनको आप इंसर्ट कर सकते हैं वर्ड के अंदर जाकर, और जब आप इंसर्ट करेंगे, जब आप उसको मूव करेंगे, ऑटोमेटिकली उसकी नंबरिंग खुद ही चेंज होगी, आपको कुछ उसकी मैनुअल मेंटेनेंस करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्लग इट इन, रिमूव, दोबारा डालें, कहीं पे चीज रिपीट हो रही है तो वो ऑटो के ऊपर, हर चीज ऑटो पे चलनी शुरू हो जाती है। बट अभी इस वक्त ये शायद थोड़ा, या तो इंटरनेट, आई थिंक इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इस वजह से ये शायद इससे यहाँ पर इस वक्त चल नहीं रहा, बिकॉज आई एम लिंकिंग विद इंटरनेट, मेरे पास का रजिस्टर्ड वर्जन जो है वो ऑनलाइन है, और मैं चाहूंगा कि मैं उसी के ऊपर चलूँ, कोई बुलावजा की चीज़ पे ना चलूँ। आई कैन ट्राई इट अगेन, मे बी गुड वर्क गुड नॉट वर्क। बेसलाइन पेपर और रिव्यू पेपर में क्या फर्क है? क्लास में सोते रहे, उसका मतलब है थोड़ा, खुली आंखों से भी लोग सोते हैं ना। अभी मैंने ये, वैसे ये चीज यहाँ रिपीट की है पूरी, एक 15 मिनट में यही बातें की हैं, बट आप फिर वही सेम सवाल मुझसे रिपीट कराना चाह रहे हो। आप इसके बाद में, क्लास के बाद मुझसे मिलिएगा, नल ब्रीफ यू के क्या फर्क है इसमें। क्या चीज नहीं है? अच्छा, उसको ओके, मैं कर भी सकता जी दोबारा लेना पड़ेगा, या तो आप टीएच में दोबारा ले लेंगे, या आप, हो सकता है आप फैसला करें कि मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के अपना कोर्स वर्क पूरा करना चाहिए। सब्जेक्ट्स पूरे हो गए तो, अगर पूरे हो गए तो बस आप डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। नहीं अगर थीसिस करना है तो फिर दोबारा TH1 आपको अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, नहीं आए, नहीं आए, नहीं 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 आता है, वो सवाल उनका कुछ और है, वो सवाल ये कर रहे हैं कि मेरा कोर्स वर्क पूरा हो गया, TH1 फेल हो गया इस सेमेस्टर में, अब दोबारा TH1 लेता हूँ तो क्या मेरे ट्रांसक्रिप्ट में ये TH1 फेल लिखा हुआ आएगा? मैं उन्हें कह रहा हूँ वो नहीं लिखा हुआ आएगा, ये सवाल है। आपका सवाल कुछ और है, जब थीसिस करते हैं तो लिखा हुआ आता है TH1, सारी लिखा हुआ आता है। डिग्री डिग्री सारी एक जैसी होती है, मतलब क्या, किस तरह से, कौन सी डिग्री? डिग्री के ऊपर लिखा होता है, हाँ, विद थीसिस। मुझे याद पड़ता है कि मेरी डिग्री पे लिखा हुआ है, लेकिन ये कि बाहर का शायद, इसमें मुझे यहाँ का नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज लिखती हैं थीसिस के साथ की भी डिग्री, या विदाउट थीसिस की भी है,
बट अल्टीमेटली थीसिस पे अगर नहीं आपकी डिग्री पे नहीं भी लिखा तो ट्रांसक्रिप्ट में लिखा होता है ना, तो हमेशा डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट साथ ही आप जमा कराते हैं, जाके जमा कराते, नहीं तो इंटरव्यूज में तो पूछते ही आपसे तो। बट लेकिन पाबंदी नहीं है, आप नॉन थीसिस करना चाहो तो कर सकते हो, देयर इज नथिंग, नो इश्यूज। अच्छा जी चलें, ये बहरहाल मंडे वाला सिस्टम भी इस वक्त मेरे पास नहीं चल पा रहा। वी कैन डू, हम ये कर सकते हैं कि लेट्स लिसन टू योर प्रेजेंटेशंस फर्स्ट, जो आप लोगों ने तैयार की हुई हैं, और फिर उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। तो इससे पहले कि हम ऑनलाइन से पहले पूछ लेते हैं कि आप में से कौन से लोग हैं जो कि प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। पहले प्रेजेंटेशन का जो कंटेंट था वो मैंने शेयर किया हुआ था आपके ग्रुप पे कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, ऐसे ही है सबके नॉलेज में है ना, तो उस हवाले से उसी तरह से आपने अपने काम को प्रेजेंट करना है। और मुझे याद पड़ता है मैंने कहा था कि आपकी टाइटल स्लाइड होनी चाहिए, टाइटल स्लाइड के बाद फिर आपकी इंट्रोडक्शन की एक स्लाइड होनी चाहिए, और इंट्रोडक्शन के बाद फिर आपका एक बेस लाइन रिसर्च पेपर और उसकी मेथडोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए, ऐसी था यही बात की थी। और आखिर में और रेफरेंस क्वालिटी मैट्रिक्स जो आपने मैट्रिक्स कंसिडर की है जो आप वो होना चाहिए, और फिर एंड पे डिटेल रेफरेंसेस एज पर सम स्टैंडर्ड पैटर्न होने चाहिए एक स्लाइड। तो ये हाँ नहीं, ये 5-6 स्लाइड्स के ऊपर आपने अपना काम सारा जो इस वक्त तक किया है वो बता देना, फिर इसमें चीजें ऐड करेंगे हम बाद में, सही है? आगे पीछे हो सकता है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप तक आवाज मेरी जा रही है, कोई आप में से पहले प्रेजेंट करना चाहता है तो वो प्रेजेंट कर सकता है जी। एनीबडी, या आप क्लास को पहले सुनना चाहेंगे? क्लास के लिए ये कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है कैंडी, अगर वो आप ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें तो मैं यहाँ खोलता जाता हूँ, बजाय कि आप अलग से अपनी आके कोई चीज अटैच करें, इट वुड बी इजियर। ग्रुप में भेज सकते हैं, या आप ऐसा करें मेरे में मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरा नंबर जो है ना आपके पास, मुझे भेज दीजिए। चलिए अच्छा ये वैसे अभी चल पड़ा है, तो लेट्स डू दी मेंटली फर्स्ट, ठीक है जी? इनको भी बता दें आ जाएंगे फिलहाल। देखिए ये Office 365 का फ्रंट एंड है, इसमें जो आप रेगुलर डॉक्यूमेंट वर्ड की में भी शायद सारी चीजें होंगी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं जो कि ज्यादा शायद के इसमें उन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। लाइक इसके अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड क्या है कि आप ग्रामरली, एक चीज है नाम सुना हुआ होगा आपने ग्रामरली, इनफैक्ट आपकी डॉक्यूमेंट की अंग्रेजी उसके मतलब कंटेंट को ठीक करने के परस्पेक्टिव से यूज करते हैं। अलग से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड या आप खरीद सकते हैं, इसकी पेमेंट है साल की ग्रामरली की। Office 365 में ग्रामरली इम्प्लीमेंटेड है, 365 में आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये राइट साइड पे, ये एक टूल है, ये जो भी मैंने यहाँ चीज लिखी है उसके अंदर ये मुझे इसके कुछ ये इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि जी इस पूरी डॉक्यूमेंट में जो मैंने लिखा हुआ है इसके अंदर कहाँ कहाँ पे अंग्रेजी के इश्यूज हैं और इसका स्कोर क्या है इस डॉक्यूमेंट का लिखने के बाद। ग्रामरली भी यही बता रहा होता है, इट्स अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर।
और आजकल ये बड़ा पॉपुलरली यूज होता है और डिपार्टमेंट्स इसको खरीदते भी हैं। बट ऑफिस 365 अगर आपने लिया हुआ है रजिस्टर्ड वर्जन, तो उसमें ये उन्होंने एम्बेड किया हुआ है। अब इसमें ये बता रहा है जी कि अगर प्रोफेशनल राइटिंग को मैं क्लिक करूं, या ऑप्शंस है फॉर्मल, प्रोफेशनल, कैजुअल, किस स्टाइल में आप लिखना चाह रहे हैं। जनरली हम ऑलवेज वी गो फॉर द प्रोफेशनल राइटिंग, ठीक है। तो हम प्रोफेशनल को क्लिक करें तो मुझे मेरे डॉक्यूमेंट का स्कोर ये बताएगा कि इस वक्त स्कोर क्या है इसका। तो इस वक्त का स्कोर 87% है एज पर दी ग्रामरली, और ये इम्प्रूव हो सकता है। साथ ही मुझे ये पूरी डॉक्यूमेंट में जो मैंने लिखा हुआ है वहां पे जगह जगह पे हाईलाइट करके बता रहा है कि यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट्स पॉसिबल हैं, जो कि आप अगर समझते हैं मुनासिब तो कर लें। लाइक की तरह आप देखें अगर, तो अब ये क्लाउड कंप्यूटिंग पे एक छोटी सी डॉक्यूमेंट बनी हुई है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ ताकि और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ तक, और जस्ट थोड़ा सा ये इस जगह पे आ जाते हैं। तो देखिए मैंने अननेसेसरी कुछ चीजें जो थी या जिसमें गलतियां ज्यादा थी निकाली हैं, तो इसने 94% पे लिया है अब डॉक्यूमेंट में, ठीक है। और अब यहाँ पे आप देखें ये मुझे बता रहा है कि जी ये एक पर्टिकुलर जो आपने लाइन लिखी हुई है ना, क्लाउडलेट्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज फॉर मोबाइल डिवाइसेज सच एज स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स दैट हैव क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू देम। ये इस तरह से लिखने से बेहतर है कि इसको आप किसी और तरीके से लिखें, ठीक है। तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि ये कंसाइज नहीं है, ये बता रहा है कंसाइज नहीं है, और ये इस तरह से लिखेंगे आप तो शायद ये नया सेंटेंस बता रहा है, इस सेंटेंस को इससे रिप्लेस कर दीजिए, तो इट इज अ बेटर सेंटेंस देन द एग्जिस्टिंग सेंटेंस, ठीक है कलीम अल्लाह। जी सर, बिल्कुल। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये इसको रिप्लेस कर देगा। तो सर प्लेजरिज्म का तो मसला नहीं आया? अच्छा, प्लेजरिज्म का मसला इसमें देखिए, प्लेजरिज्म तो ताल्लुक इससे कोई है नहीं, तो आपने लिखी हुई डॉक्यूमेंट उसकी जजमेंट कॉल है ना। प्लेजरिज्म ये है कि आपने अगर कट पेस्टिंग कहीं से की हुई है तो वो, अब वो इसमें प्लेजरिज्म का कंटेंट भी चेक हो सकता है, वो अलग से है। जी सर, नेक्स्ट बार इसी के लिए रिप्लेस किया है, दूसरा हाँ ऑप्शन नहीं, दिया। वो उसमें नहीं, उसमें तो देखिए उसने आपकी लिखे हुए सेंटेंस को रीवर्ड किया है ना, तो उसमें प्लेजरिज्म नहीं है क्योंकि वो आपकी सेंटेंस को ठीक कर रहा है, कहीं और से कट पेस्टिंग नहीं कर रहा, कॉपी नहीं कर रहा, आपकी अंग्रेजी को ठीक कर रहा है, इसमें नो प्लेजरिज्म, ठीक है। तो आई होप दिस मेक सेंस, सबको ऑनलाइन भी समझ आ रही है। थोड़ी सी हम ये करते हैं कि अब मैं थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे